ये कैसा परिहास है? परिहास नहीं, प्रताप नाम है हमारा। अरे प्रयास ही है मित्र, प्रयास ही है। यदि एक साधारण अश्वपालक का नाम वही हो जो मेवाड़ के युवराज का है तो संसार तो इसे प्रयास से कहेगा ना, परंतु आप इसे भाग्य की विडंबना के अतिरिक्त और कुछ ना समझे। हाँ, और आप भी बाबूजी राज, आपके सच बोलने की आदत किसी का कुछ करे ना करे हमें जरूर मरवा देगी एक दिन। हाँ, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? जी कुछ नहीं, हम तो इन्हें कह रहे हैं कि ये इनका नाम सबके सामने प्रताप ना कहे, कुंवर प्रताप क्रोधित हो जाएंगे ना, इसलिए हम इन्हें सार्वजनिक स्थलों पे ज्ञान सिंह के नाम से पुकारते हैं। परंतु यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है ना जो इनका नाम सुनते ही कुंवर प्रताप को शिकायत कर दे, इसलिए आप इन्हें खुल के प्रताप बुलाइए। आप भी। जी जी, देखिए आप जो भी है, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप तुरंत बिचौलिया छोड़कर यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपने हमारे भाई और हमारी सुरक्षा की, इसीलिए कुछ देर के लिए हम अपने संदेह पर भी संदेह कर लेंगे, पर चित्तौड़ के विरुद्ध बिचौलिया विद्रोह का अंग बनने के लिए आपने अपनी नौकरी तक छोड़ राजद्रोही बनने तक का संकट उठा लिया, हमें ये बात समझ में नहीं आई। पता, अब सम्मान सहित इनके जाने का मार्गदर्शन कर देना। इस समझदार लड़की ने हमारे प्रति बहुत ही शिष्टाचार और मानवता दिखाई है, तो इसी में समझदारी है कि यहाँ से चुपचाप निकल चले। अरे अरे मित्र, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए, आने के लिए हमने कई संकट मोल लिए, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कईयों को क्रोधित भी किया, इसलिए मेवाड़ के राज परिवार के किसी भी सदस्य का बिजोलिया के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता, इसलिए हम कुंवर प्रताप को बिजोलिया की सीमा में पांव रखने की अनुमति नहीं दे सकते। कईयों का जिनका बहुत सम्मान करते हैं, उनकी बातों और सुझावों को नकारा भी हमने, पर हमें अब भी लगता है कि हमने जो किया ठीक किया, जो निर्णय लिया उचित लिया। आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले एक देशभक्त हैं, और देशभक्त का सबसे पहला धर्म होता है अपनी देश की प्रजा पर भरोसा करना। हमने बिजोलिया वासियों पर वैसे ही भरोसा किया जैसे हम अपने परिवारजनों पर करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि बिजोलियावासी हमारी तरह देशभक्त हैं, इसलिए यदि उन्होंने अपनी ही राज व्यवस्था और अपने ही कर्तव्यपरायण और न्यायप्रिय राजा के विरुद्ध विद्रोह करने की बात सोची है तो अवश्य अवश्य ऐसा करने के पीछे कोई ठोस कारण होगा, और हम बिजोलियावासियों का वही ठोस कारण जानने आए। जब तक आपकी आंखों पर अपने राजा के लिए अंधी श्रद्धा की पट्टी बंधी हुई है, तब तक आप हमारी वास्तविक समस्या नहीं समझ पाएंगे। मर गए। वो जिसे आप कर्तव्य परायण और न्यायप्रिय राजा समझते हैं, वो वैसे थे पर अब है नहीं। अब तो वो ऐसे राजा बन चुके हैं जिन्हें अपनी प्रजा के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। उनके बारे में सोच समझ के बात कीजिएगा।
कुंवर प्रताप को बिजोलिया से वापस बुला लेना चाहिए। जितना समय कुंवर प्रताप बिजोलिया में रहेंगे उतना ही उनका अजबदे से मिलने का संकट बढ़ता जाएगा, और यदि वो अजबदे से मिल गए तो उन्हें अजबदे से पता चल जाएगा कि हमने इतने वर्षों में चित्तौड़ से बिजोलिया कोई सहायता नहीं भेजी, कोई ध्यान नहीं दिया उन पर, और फिर इसके आरोप को खोजते खोजते कुंवर प्रताप हम तक पहुंच जाएंगे। तो मरवा क्यों नहीं देते दादा भाई को? चुपचाप बिजोलिया में ही उनको मरवा दो और इस हत्या का आरोप अजब दे पे लगा दो, संकट समाप्त। फिर हम बनेंगे मेवाड़ के अगले युवराज और आप मेवाड़ की पटरानी। भगवान जाने आप इतनी सीधी सरल बातों को घुमा फिरा के क्यों इतना कठिन बना देती हैं? क्योंकि कुंवर प्रताप की मौत का मतलब है उन्हें अमर करना। जो मान सम्मान उन्हें आज मिल रहा है उससे कहीं अधिक इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। पर आप उनके नाम की छाव में पलते रहना, ये चाहते हैं आप? नहीं रानी माँ, हम तो चाहते हैं कि हमारी प्रजा हमारी पूजा करे, हमारी जय जयकार हो, हर एक नागरिक हमारे नाम से ही थर थर कांपे। तो फिर उल्टे सीधे सुझाव मत दीजिए हमें। हमें कुंवर प्रताप को नहीं मारना, कुंवर प्रताप की सोच को मारना है, प्रजा के दिल में जो अंधा विश्वास है उसे मारना है, उनके मन में जो कुंवर प्रताप के लिए सम्मान है उसे मारना है। और यदि हमने ये प्राप्त कर लिया तो जीवित ही कुंवर प्रताप मरे समान हो जाएंगे। यदि रानी माँ हम दादा भाई प्रताप को पूरी तरह नहीं मार सकते तो फिर क्यों ना उनको अधमरा करके ही छोड़ दें? पड़े पड़े तड़पते रहेंगे अपने कक्ष में। एक साधारण राजकीय अश्वपालक होने के नाते आपकी देशभक्ति सराहनीय मानी जा सकती है। देशभक्त तो कोई भी हो सकता है, राजा या रंक। और वैसे भी देशभक्ति का किसी व्यक्ति के पद से क्या संबंध है? आप हमें उन दिनों की याद दिला रहे हैं जब हम भी मेवाड़ नरेश के प्रजा भाई उनकी न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति के प्रशंसक थे। बहुत सम्मान था हमारे मन में उनके इन गुणों के लिए। पर दुख की बात तो ये है कि ये सारी बातें अब भूली बिसरी बन चुकी हैं, जिनके चिन्ह तक आज उनमें मिल नहीं रहे। आप हमारे इस विद्रोह का ठोस कारण जानना चाहते हैं ना? आइए। पता? नहीं जीजा, जाने दीजिए इन्हें। वहीं जहां से ये आए हैं, और वैसे भी आपको तो इन पर विश्वास भी नहीं है। किंतु बाईजीलाल को आपके हर निर्णय पर पूर्ण विश्वास है जीजा। आप सच कह रहे हैं, हमें इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। परंतु हाँ, हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि ये यहाँ पर सच जानने आए हैं, और हमें लगता है कि इन्हें सच जानना चाहिए। धन्यवाद। हम अभी आते हैं। तो वो ऐसे राजा बन चुके हैं जिन्हें अपनी प्रजा के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। जब भी हम किसी संकट में फंसे आपने अवश्य हमें राह दिखाई। सही कह रहे हैं आप, अधमरा करा देते हैं कुंवर प्रताप को, फिर
हम तक तो बात पहुंचेगी भी नहीं और उल्टा अजब दे पर सारा दोष आ जाएगा। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं धमन सिंह जी? जाओ और रानी माँ की योजना पूरी करो। चीखो। धमन सिंह जी, इस बात का ध्यान रहे कि कुंवर प्रताप को अधमरा करने के लिए समुचित प्रशिक्षित सैनिक चाहिए और उन्हें यह भी बता दीजिएगा कि कुंवर प्रताप को अधमरा करने के लिए भी एक पूरी सेना की आवश्यकता क्यों होती है। महारानी साहब, हम कुंवर प्रताप की क्षमताओं से भली भांति परिचित हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हर बात का हम ध्यान रखेंगे। आप चिंता ना करें, आपका काम हो जाएगा। पत्ता पत्ता हाँ जी जी चलिए। आप इस अश्व को जानते हैं? नहीं, मेवाड़ के अश्व है। जहां भी हो हमें पहचान जाते हैं। अश्वपालक, चुपचाप हमारे पीछे पीछे आइएगा, यहाँ वहां भटकने की चेष्टा मत कीजिएगा। वैसे हमने आपको अपना नाम बता दिया है। आप हमारे लिए एक साधारण अश्वपालक ही रहेंगे। चलो ठीक है, हमें तो बस यह जानना है कि वो कारण क्या है जिसके लिए सबके मन में हमारे दाजीराज के लिए इतना क्रोध है। चक्रपाणि मिश्र, कहा तुम इन वीरों के चक्कर में फंस गए हो, चुपचाप अपनी ज्योतिष विद्या पे ध्यान दो। तमन सिंह जी, रानी माँ है भीतर, वो हम उन्हें इस दुपट्टे की कढ़ाई दिखाना चाहते थे। जी भाई साहब, महारानी साहब भीतर। हमारे सबसे समझदार और सबसे प्रिय पुत्र, हमारे कुंवर चकमा। लेकिन रानी माँ, आप दादा भाई प्रताप की इतनी प्रशंसा मत किया कीजिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं करेंगे कुंवर प्रताप की प्रशंसा, ठीक है? वैसे राव मामरक जी के असमायक निधन के बाद उनके पुत्र को यहाँ का सामंत बना दिया गया, फिर ये पाईजीलाल कौन है? पाईजीलाल हमारी गुरु है, हमारी शक्ति है और यदि उन्हें बिचौलिया की रीढ़ भी कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। केवल इसलिए क्योंकि बाईजी लाल हमारे साथ है, मुझे लगता है कि एक दिन हमारे सपने भी सच होंगे। ऐसा गहरा भक्तिभाव, अगर बाईजी लाल आप लोगों को गलत मार्ग पर ले गई तो, यदि इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए और आप लोगों पर शासन करने की इच्छा से बिजोलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो क्या करेंगे आप लोग? रुक जाइए पत्ता, इन्हें अभी पता नहीं है कि राणा उदय सिंह जी ने हमारी सहायता और सुरक्षा की मांग के कितने संदेशों पर ध्यान तक नहीं दिया है। और वैसे भी बाईजी लाल के लिए इनकी धारणा महत्वपूर्ण नहीं है। जब इन्हें सच पता चल जाएगा तो इनकी धारणा भी बदल जाएगी। हम समझे नहीं, सहायता सुरक्षा के
कौन से संदेश? ऐसा हुआ क्या यहाँ? बहुत जल्द आपको वो भी पता लग जाएगा अश्वपाल। चाहते थे ना चित्तौड़ से हमारे असंतोष का कारण, वो देखिए सामने। ये सारा भूभाग हमारा है, यहां से लेके वहां तक। ये जो सारी भूमि आप देख रहे हैं ना, ये हम बिजौलिया की भूमि है, जिस पर अफगानों ने अतिक्रमण कर हमारे सामने हमारे भूभाग पर अपने फौजी डेरे बांधे रखे हैं। उनका साहस कैसे हो गया ऐसा करने का? क्योंकि हम असफल थे उन्हें रोकने में। अपनी सीमित सैन्य शक्ति के बलबूते पर जब जब अफगानों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे घरों में और हमारे मवेशियों पर आक्रमण किया, हमने भरसक उनका सामना किया। कई बार उनका सामना करने में हम असफल रहे, कई बार सफल रहे। वो जो जली हुई बस्ती देख रहे हैं ना आप, वो जलकर राख हुई किसानों की बस्ती है। आपको अभी भी हमारे मवेशियों के जले हुए शव वहां पर दिखाई देंगे। आप जानते हैं हम आपको ये जली हुई धरती क्यों दिखा रहे हैं? ताकि आपको भी पता चले कि अफगानों से आक्रमण करते समय जब हम असफल रहते हैं तो क्या मूल्य चुकाना पड़ता है हमें हमारी असफलता का। हम जानते हैं इस समस्या का हल, अफगान समस्या का हल बचाव में नहीं, उन्हें मुंह तोड़ आक्रामक उत्तर देने में। पर उसके लिए हमारे साधन बहुत सीमित हैं और इसीलिए हमें चित्तौड़ से सैन्य सहायता चाहिए। परंतु क्या किया चित्तौड़ ने? कुछ भी नहीं। आप देशभक्ति की बातें करते हैं ना, तो हम आपको बता दें कि देशभक्ति हमारे रक्त में भी कई पीढ़ियों से दौड़ रही है। तभी चित्तौड़ ऐसा कभी नहीं था। उदय सिंह जी और उनके पुत्र कुंवर प्रताप ने वीरतापूर्वक शम्स खान और उनकी फौजी छावनियों को चित्तौड़ से खदेड़ दिया था। और आज दोबारा उसी शम्स खान का बेटा बादशाह खान अपने सैन्य तैयारियां और उन्हीं कुटिल इच्छाओं के साथ फिर से लौट आया। उसी शम्स खान का बेटा बादशाह खान अपने सैन्य तैयारियां और उन्हीं कुटिल इच्छाओं के साथ फिर से लौट आया। तो राणा उदय सिंह जी उनका सामना ना कर उन्हें बिचौलिया को खुलकर लूटने का अवसर दे रहे हैं। आपने चित्तौड़ कब भेजा था ये संदेश? कब? पिछले 6 मास से लगभग हर पखवाड़े भेजा है हमने संदेश, पर आज तक हमें एक भी उत्तर नहीं आया। इसीलिए अब हमारे पास अफगानों से लड़ने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है।